dear स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द developing स्कूल grounds एंड यूज़ ऑफ लोकल spaces फॉर सस्टेनेबल development। हम स्कूल ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं और उसके अंदर हम ये गुफ्तु करना चाह रहे हैं कि अगर स्कूल के अंदर ग्राउंड मौजूद नहीं है तो अगर हमारे पास लोकल स्पेस मौजूद है तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने तमाम एवरीडे लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन एक्टिविटीज़ के लिए देखिए ग्राउंड का एक अपना इन्वायरमेंट होता है दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं एक तो ये कि ग्राउंड के यूज़ को और दूसरी बात ये कि अगर ग्राउंड अवेलेबल नहीं है तो लोकल स्पेसेस जो है उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर हम गुफ्तु कर चुके हैं और हमने बात की है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो है हमारे पास जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस है उसके अंदर अगर हमारे पास डेली बेसिस के ऊपर स्कूल की डिफरेंट एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं और उसके लिए हमारे पास ग्राउंड अवेलेबल है तो हमारा जो एजुकेशनल प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो जाएगा पार्टिकुलरली जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो स्किल्स के लिए हमें कोई ग्राउंड चाहिए हमने स्पोर्ट्स की भी बात की थी हमने जंपिंग की बात की हमने रनिंग की बात की अब ये तमाम बातें जो हम इससे पहले कर चुके हुए हैं अगर ये हम बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कोई ग्राउंड होना चाहिए अगर हमारे पास ग्राउंड मौजूद नहीं है तो फिर हमारे पास कोई भी लोकल स्पेस जो मौजूद है हमें उसको यूज़ करना चाहिए और उसके लिए जो है हमारे पास ऐसे प्रोग्राम डेवलप करने चाहिए जो डिज़ाइन किए गए होंगे फॉर स्पेशल स्कूल ग्राउंड एनवायरनमेंट देखिए अगर मैंने कोई प्रोग्राम ऐसा इंट्रोड्यूस कराना है जिसके अंदर मुझे चाहिए स्कूल ग्राउंड तो वो मुझे करिकुलम का हिस्सा बनाना है मुझे उस करिकुलम के अंदर वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ शो करनी है और मुझे ऑब्जेक्टिव्स का तयन करना है कि ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मुझे ये एक्टिविटीज़ चाहिए उसके साथ इंक्लूडिंग वेदर है कि देखें अगर वेदर फिज़िबल नहीं होगा तो फिर हमारे पास ग्राउंड की फिज़िबिलिटी जो है वो भी किसी काम की नहीं है बुनियादी तौर पे तो जो स्कूल ग्राउंड है वो एज ए कम्प्लीमेंट्री है ऑफ़ द इंडोर स्पेस ऑफ द स्कूल्स लेकिन अगर स्कूल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो अहमियत स्कूल ग्राउंड की है जहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के जरिए और एवरीडे एक्टिविटीज़ के ज़रिए हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफ़ेक्टिव हो सकता है वो करिकुलम का हिस्सा अगर नहीं होगा तो हम उसको प्रॉपर तौर पर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे ये हमारे पास मैंडेटरी होना चाहिए मसलन अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो अगर डेली बेसिस पे बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं करवाई जाएंगी तो इसका मतलब है कि हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमें आउटडोर स्पेस अगर हमें अवेलेबल है तो हम अपनी आउटडोर स्पेस को यूज़ करें इनडोर स्पेस अवेलेबल है तो वहाँ पे हम एवरीडे एक्टिविटीज़ करें और हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें